हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैंने बनाए हैं अदरक और लहसुन का अचार। आज मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा अब हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और अब इस लहसुन को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। ये हमने थोड़े से मसाले लिए हैं, ये है सौंफ, ये है मिथरे और ये है धनिया, ये है कलौंजी और थोड़ी सी हमने ली अजवाइन और ये लिए हमने जीरा और ये लेंगे हम थोड़ा सा हींग, ये लेंगे हम हल्दी थोड़ी सी और ये ली हमने डेकी मिर्च, लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये लिए हमने थोड़ा सा नमक और ये लिए हमने थोड़ा सा काला नमक, इससे टेस्ट जो है वो बढ़िया आता है। एक तवा लेंगे हम, इसको गर्म कर लेंगे थोड़ा सा और इन सभी मसालों को इस तवे में डाल देंगे। अब इसको हल्की आंच में पकाना है। अब इन मसालों को हम एक जार में डालेंगे और इसको थोड़ा सा हमने दरदरा पीसना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये अदरक इसमें डाल देंगे तेल में और इस अदरक को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अदरक जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे इसको भी। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बड़े दो चम्मच। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब इसमें डालेंगे हम भुना हुआ लहसुन। ये फ्राई किया हुआ अदरक।
अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार, इससे जो है वो टेस्ट अच्छा आता है। हम हल्दी, दो बड़े चम्मच, और ये है लाल मिर्च, इससे जो है वो कलर बहुत अच्छा आता है अचार में, ये दो बड़े चम्मच, और ये नमक, तीन बड़े चम्मच। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे ये भुने हुए मसाले, और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा लेंगे हम विनेगर, इससे जो है खट्टापन आ जाता है अचार में। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा गुड़, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं इसमें। अचार हमारा तैयार है। आशा करती हूँ कि आपको हमारे अचार की रेसिपी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।